हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 जून की। 21 जून ऑलवेज आता है, लेकिन इस बार का 21 जून कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि देखिए, इस बार 21 जून को साल का यानी साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, यानी सोलर इक्लिप्स। जो आपका फर्स्ट सोलर इक्लिप्स है वो इस बार का 21 जून को होने जा रहा है। दोस्तों, सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होता क्या है कि जब अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है तो होगा क्या कि हमको इस तरीके से, क्योंकि सन का साइज बड़ा होता है, मून बहुत छोटा होता है, तो हमको नीचे से यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सन कंप्लीट दिख करके सन का सिर्फ ये आउटर पोर्शन दिखाई देगा, यानी रिंग शेप हमको सन की दिखाई देगी। तो इस फेनोमेना को, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, इसे हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसलिए हमने कहा कि कभी कभी लूनर इक्लिप्स भी होता है, यानी चंद्र ग्रहण भी होता है। उसमें क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। तो इस बार सन 2020 का जो फर्स्ट सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, वो भी 21 जून को पड़ रहा है। उसके अलावा लोग जैसे जानते होंगे कि सबसे ज़रूरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 जून को, इसलिए है कि इस बार ये 21 जून को होता है वर्ल्ड योगा डे। वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे। इसकी थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। देखिए, वर्ल्ड योगा डे का जो कंसेप्ट लाया गया वो सन 2014 में आया, जब उस वक्त के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी यूएन जनरल असेंबली में स्पीच के दौरान 27 सितंबर 2014 को इस वर्ल्ड योगा डे का प्रपोजल रखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया में मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पीस के लिए वर्ल्ड योगा डे होना चाहिए, और यूएन की जनरल असेंबली ने 11 दिसंबर 2014 को इस वर्ल्ड योगा डे को मंजूरी दे दी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून का प्रपोजल रखा था कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाए। उन्होंने ये प्रपोजल क्यों रखा था, इसके पीछे उन्होंने ये बात रखी थी कि 21 जून को हमारे इंडिया में, या ये कहें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे होता है। वो देखिए किस तरीके से होता है कि देखिए, लॉन्गेस्ट हेमिस्फीयर जो हमारा, अगर हम बात करें जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर पढ़ रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाता है 21 जून को कहलाता है समर सोलस्टिस। क्या कहलाता है? समर सोलस्टिस। समर सोलस्टिस होती है 21 जून को, जबकि 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है विंटर सोलस्टिस। समर सोलस्टिस का मतलब है कि जिस भी हेमिस्फीयर में समर सोलस्टिस का मतलब है लॉन्गेस्ट डे, यानी 21 जून की खास बात यह है कि 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाइल शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को समर सोलस्टिस होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलस्टिस होती है, तो इसीलिए मोदी जी ने कहा कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 21 जून की हिस्टोरिक और बातों की बात करें, हिस्टोरिक चीज़ों की, तो देखिए 21 जून को 1991 को हमारे 9वें प्रधानमंत्री, 9th प्राइम मिनिस्टर श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने ओथ ली थी, यानी 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा अगर और बात करें तो 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को। इसके अलावा अगर और हिस्टोरिक बात की बात करें तो देखिए, अगर बर्थ की बात करें, कौन कौन बड़ी हस्तियां 21 जून को पैदा हुई थी, तो देखिए 21 जून को ही 1953 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो पैदा हुई थी, बेनजीर भुट्टो। इसके अलावा 1982 को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम पैदा हुए थे, प्रिंस विलियम भी 21 जून 1982 को पैदा हुए थे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
1953, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने छोटा सा डिस्कशन किया है, कई सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए जैसे अगर क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है कि किस डेट को पीएम साहब ने प्रपोज किया, किस डेट में इसको जो है यूएन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया, पहला वर्ल्ड योगा डे कब मनाया गया, तो फर्स्ट योगा डे मनाया गया था 21 जून जो है 2015 को। ये कितने वां योगा डे है, लूनर एक्लिप्स या सन एक्लिप्स क्या होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उनमें हम क्वेश्चंस आंसर भी किया करेंगे। थैंक यू।